पहला ख्याल यही रखूंगा कि मुझे पर्ची नहीं मिले और मैं उससे पहले ख़त्म कर दूं, क्योंकि इस हॉल में मैंने बहुत सारा कार्यक्रम अटेंड किया है और मैं उधर बैठता था, तो आप सब लोगों का दर्द भी मुझे पता है। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यहाँ ज़्यादातर साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, बौद्धिक काम करते हैं, पत्रकार हैं, विद्यार्थी हैं, एक्टिविस्ट हैं, तो कोई थ्योरेटिकल बात करना मैं समझता हूँ गैर जरूरी होगा। मैं जेल के आने के बाद कुछ चीज़ जो महसूस कर रहा हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कई कार्यक्रम में आने के बाद गया हूँ तो कुछ लोग मेरे ऊपर जूता फेंक देते हैं, तो हो सकता है कि यहाँ भी कोई फेंक दें, तो उनसे एक उनका उनके लिए एक मशविरा है मेरे पास। एक तो दोनों जूता फेंकें और दूसरा ये है कि आप एक एक्स्ट्रा एक जोड़ी चप्पल लेकर के आइएगा, बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। लगता है कि इस हॉल में कोई फ्रीलांस गोडसे नहीं है। खैर, तो अब अगर कोई फ्रीलांस गोडसे नहीं है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिरोध की बात, जहाँ चित्त निर्भय हो इसकी बात की जा रही है, तो एक बात तो मैं कह देना चाहता हूँ, बहुत सारे मीडिया के लोग हैं बिना डॉक्टर करके अगर संदेशा पहुँचाएंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं, इसीलिए आप हमको डराना बंद कर दीजिए। और चित्त निर्भय तो हमारा है, क्योंकि एक रोहित बेमुला गमाने के बाद, जेल जाने के बाद, सेडिशन का चार्ज झेलने के बाद, बहुत सारे दर्जनों छात्र और शिक्षकों का दोबारा जेल जाने के बाद, हजारों लोगों के सड़कों पर उतरने के बाद, हजारों लोगों की बद्दुआ सुनने के बाद, हमारी अकल ठिकाने आई है। और जितने भी हम स्टूडेंट्स यहाँ बोलने आ रहे हैं, बार बार यूनिटी की बात कर रहे हैं, इसीलिए आप तमाम बुद्धिजीवियों से एक अपील है, आप भी यूनाइट हो जाइए, क्योंकि आप अगर यूनाइट हो जाएंगे तो याद कीजिए इस देश के अंदर सहिष्णुता और असहिष्णुता की बहस लेखकों ने चलाया था, उसके बाद आज हम विद्यार्थी उनके रास्ते पर चल रहे हैं, उस बहस को आप आगे बढ़ाइए, हम यूनाइट होने के लिए तैयार हैं, ये हमारा कमिटमेंट है। दूसरी बात यह है कि दो दिन पहले, आज 8 तारीख है, 6 अप्रैल को बड़ा बड़ा न्यूज आया कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के कई साल हो गए हैं, मुझे पता नहीं, मेरा गणित बहुत खराब है, कि 6 अप्रैल 1980 को एक पार्टी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी, और मैं कह देना चाहता हूँ मैं बिल्कुल उसका विरोधी आदमी नहीं हूँ, इसीलिए उसके लिए मैं एक नज्म पेश करना चाहता हूँ दुष्यंत कुमार की। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, बहुत दिन हो गया 1980 में बने थे। एक देशभक्त मेरे पास आया, अब मैं उसको देशभक्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मुझे देशभक्त मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो आकर के हमको बोला कि देखो भारतीय जनता पार्टी देश में कितना अच्छा अच्छा काम करना चाहती है और तुम विद्यार्थी लोग पढ़ने की बजाय राजनीति कर रहे हो। हमने कहा हम कहां राजनीति कर रहे हैं, अप्पा राव हमसे पूछ करके हमारे साथियों को बाहर कर दिया था क्या, उनका जो सोशल बायकॉट किया गया प्रशांत का और रोहित का, वो हमसे पूछ कर नहीं किया गया, वो तो दत्तात्रेय जी से पूछ करके किया गया जो राजनीति कर रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बताइए हम कहां राजनीति कर रहे हैं। स्मृति जी ने हमसे पूछ करके हमारा वजीफा बंद कर दिया था, भाई हमसे पूछ करके आप कहां कुछ कर रहे हैं, आप जो करते हैं अगर वो हमको लगता है कि हमारे जीवन जीने के अधिकार के खिलाफ है तो हम उसका विरोध करते हैं, आप जो करते हैं हमको लगता है कि वो इस देश के अंदर जातिवाद और मनुवाद को बढ़ाने वाली बात है तो हम सामाजिक न्याय को की मांग करने वाले लोग उसका विरोध करने लगते हैं, राजनीति आप करते हैं हम आपकी गंदी राजनीति का विरोध करते हैं। और आज साहित्यों का साहित्यकारों का जमावड़ा है, एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारे कैंपस में एक जनवादी कवि हुआ करते थे विद्रोही जी, और आंदोलन में लड़ते लड़ते वो हमारे साथ विद्रोही स्थल पे ही हमारे बीच आज नहीं है, तो उनके नाम पे हमने स्टूडेंट्स यूनियन का नाम विद्रोही भवन कर दिया है, इसीलिए आप गलत राजनीति कीजिए हम आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे। हालांकि इन्होंने बहुत चालाकी से इस विमर्श को
दूसरे तरफ लेकर के गए हैं। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, भारत माता की जय तो कहना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि अगर मेरी शादी हो तो मैं अपनी पत्नी को कहूं कि तुम अपना नाम भारत माता की जय कर लो, और हमारे जो बच्चे होंगे मैं उनका नाम भी भारत माता की जय बोल दूंगा, ताकि और अपना नाम भी मैं बदल करके भारत माता की जय कर लूंगा, कि मेरा बच्चा स्कूल में जाए तो टीचर पूछे कि क्या नाम है, कहे भारत माता की जय, बाप का नाम क्या है, भारत माता की जय, माता का नाम क्या है, भारत माता की जय, और उसको फीस नहीं देनी पड़ेगी और उसको शिक्षा जो है वो फ्री में मिलेगा। एक आदमी आकर के हमको बोला कि तुम मोदी जी पे इतना चुटकी कौन लेते, क्यों लेते हो? हमने कहा हम मोदी जी पे चुटकी ले कैसे सकते हैं, मैं सबसे बड़ा मोदी समर्थक हूं। कब? जब वो कह दें कि हम 15 लाख रुपए आपको दे देंगे, जब वो कह देंगे कि हम भ्रष्टाचार कम कर देंगे, जब वो कहें कि हम महंगाई कम कर देंगे, मैं उनका सबसे बड़ा समर्थक बन जाऊं। लेकिन वो ऐसा कैसे कहेंगे? ऐसा वो कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनका संबंध 1925 में स्थापित होने वाली भारतीय जनसंघ से नहीं, आरएसएस से है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कहता है? उसको राष्ट्रवाद से कोई मतलब नहीं है, उसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। इसीलिए उसको मत बोलिए कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये हिंदू राष्ट्रवादी लोग हैं। और हिंदू राष्ट्र कैसा होगा? जिसमें ब्राह्मण ब्राह्मण होगा, दलित दलित होगा, वो हायरार्की पे खड़ा होगा। इसका मतलब उसका संविधान भारतीय संविधान नहीं मनुवाद होगा, उसका संविधान मनुस्मृति होगा। हम इसलिए उसका विरोध करना चाहते हैं। और इसलिए इस देश के अंदर जो लड़ाई छिड़ी है, जिसके बारे में हमारे साथी बोल रहे थे, साथी ऋचा, सहला, उमर, प्रशांत, सब लोग, कि ये लड़ाई छिड़ी है दो लोगों के बीच। हिंदुस्तान के अंदर कोई लड़ाई नहीं छिड़ी है, हिंदुस्तान के अंदर जो संघिस्तान बनाने की तैयारी की जा रही है उसके खिलाफ लड़ाई छिड़ी है। और ये लड़ाई संघिस्तान वर्सेज हिंदुस्तान की लड़ाई है, और हम हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत चालाकी से मैं सहमत हूं गौहर राजा जी से कि ये लोग बहुत क्रिएटिव नहीं है, क्योंकि अगर क्रिएटिव होते तो गालियां नहीं देते, इनके ट्रोलर जो हैं सिर्फ गालियां देते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नज्म लिखते हैं, इनके लिए शायरी लिखते हैं, इनके लिए कहानियां लिखते हैं, क्योंकि हम लोग क्रिएटिव लोग हैं। और जो क्रिएटिव लोग हैं उनसे सबसे ज्यादा खतरा होता है इनको। इसीलिए पहले जो काम ये बस्तर में किया करते थे, पहले जो काम ये बिहार के गांवों में किया करते थे, आज वो काम ये यूनिवर्सिटीज के अंदर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि ये उस मत के समर्थक हैं कि पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी का चक्कर सूरज लगाती है। ये उस मत के समर्थक हैं, और हम उस मत के समर्थक हैं जो स्थापित सच को चैलेंज करते हैं। क्या है स्थापित सच? स्थापित सच सुंदरता को लेकर के भी हो सकता है कि गोरे लोग ही सुंदर होते हैं। मैं कहता हूं नहीं, काले लोग भी सुंदर हो सकते हैं। जो भी स्थापित सच हो, चाहे वो पितृसत्ता हो, जातिवाद हो, मनुवाद हो, ऊंच नीच हो, पूंजीवाद हो, गैर बराबरी हो, हम उन तमाम स्थापित सच्चों को चैलेंज करना चाहते हैं। और इसीलिए यूनिवर्सिटी होता है। अगर आपके अंदर आलोचनात्मकता नहीं है तो आप युवा नहीं हैं। और मैं तो मानता हूं कि मोदी जी युवा नहीं है। 55 करोड़ लोगों का नेता मोदी जी कैसे हो सकते हैं जिनकी उम्र रिटायरमेंट की हो गई है? आप हमारे नेता हो नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग नौजवान लोग हैं। और इस मुल्क के अंदर जो हम झेल रहे हैं उसको झेलते हुए हम इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि आने वाली नस्ल इसको नहीं झेलेगी। यही हमारी लड़ाई है, यही हमारा संघर्ष है। इस देश के अंदर जो जातिवाद है, इस देश के अंदर जो छुआछूत है, इस देश के अंदर जो गैर बराबरी है, इस देश के अंदर जो किसान आत्महत्या करने को विवश हैं, इस देश के अंदर जो गरीब हैं, उनके हक की बात करना ही राष्ट्रवाद है। और मेरी नजर में भारतीय रेल का जनरल बॉगी, उनके पक्ष में बात करना राष्ट्रवाद है, और मैं उनकी बात करता हूं, और यही राष्ट्रवाद है, यही हमारा उदाहरण है। क्या कहते हैं ये? ये कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, अब दूसरा पैटर्न आइए। कोई हार्डकोर संघी होता है, कोई सॉफ्टकोर संघी होता है। तो हार्डकोर संघियों की बात मैंने आपको बता दी, और ये सॉफ्टकोर संघी हर जगह पाए जाते हैं। इसीलिए मैं आज रंगों की बात नहीं कर रहा,
हो सकता है कि अगर ढूंढने निकले तो लाल से लेकर के भगवा तक निकल आए। तो मैं उन उन सॉफ्ट संघियों की बात करना चाहता हूं जो कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, नारेबाजी क्यों हुई। हमने कहा कि नारेबाजी अगर हुई तो गलत हुई, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या हमारा मुल्क इतना कमजोर है कि कुछ लोगों ने कुछ नारा लगा दिया और हमारा मुल्क टूट जाएगा? या तो आपको अपने मुल्क की मजबूती का अंदाजा नहीं है, या आपको इस बात का कोई जानकारी नहीं है कि इस मुल्क को बनाने में कितने लोगों ने जान दी है। तो कुछ लोगों की महज नारेबाजी से हमारे मुल्क को कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा सवाल है कि क्या नारेबाजी करना राष्ट्रद्रोह है? हो सकता है, मैं कानून नहीं जानता, वृंदा जी आई थी वो कानून बताएंगी। मेरे नज़र में नारेबाजी करना जो राष्ट्र के खिलाफ है वो गलत है, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या नारेबाजी करने वाले राष्ट्रद्रोही हैं, लेकिन इस देश के अंदर पार्लियामेंट में बैठकर लोगों के हक को मारने वाले लोग राष्ट्रद्रोही हैं कि नहीं, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। इस देश के अंदर जो सपना देखा गया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, जो सपना देखा गया गांधी जी के द्वारा, जो सपना देखा गया भगत सिंह के द्वारा, और जिस गुलामगिरी से लड़ने की ताकत हमको फूले से मिलती है, उसके खिलाफ हमारी संसद काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अगर नहीं कर रही है तो क्या उसके खिलाफ बात नहीं करना ये देशद्रोही गतिविधि नहीं है? क्या लोगों के अंदर नफरत को भर देना, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देना, छोड़ दीजिए इंसानों को, जानवरों तक का सांप्रदायिकरण किया गया है। कहते हैं कि मकरी हिंदू है और गिरगिट मुसलमान है। अब बताइए कि हमारे भेजे में अगर इतना भूसा भर दिया गया है तो हम तो कंफ्यूज जनरेशन है, हमको पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया गया है। और सबको मौका नहीं मिलता JNU और HCU में पढ़ने का और स्मृति जी का आशीर्वाद पाने का। मेरा नाम कन्हैया है, मैं एक बार सोच रहा था हिंदू मैथोलॉजी के बारे में, तो कन्हैया की दो माँ थी, एक ने जन्म दिया और एक ने पाला। इत्तफाक से मेरी भी आजकल दो माँ हो गई है, एक ने जन्म दिया और एक ने पाला है, और दूसरा जो है पार्लियामेंट में खड़ा होकर के कहती है कि मैं माँ हूँ। माँ जी आप दौड़ करके NIT श्रीनगर चली गई, आपके आवास के बिल्कुल बगल में JNU था, एक बार आ जाते मिलने के लिए। अरे हमसे नहीं मिलते, उनसे तो मिल लेते जो इस देश की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, उन्हीं से एक बार आपकी मुलाकात हो जाती। मैं कहता हूं कैंपस के अंदर जो युद्ध छेड़ा जा रहा है वो लोकतंत्र के खिलाफ है, कैंपस के अंदर जो प्रायोजित हिंसा की जा रही है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। और आज इस देश के अंदर कैंपसों को रण क्षेत्र में बदला जा रहा है। मैं कंडेम करना चाहता हूं यहां से जो हिंसा श्रीनगर में हुई है उसकी, मैं कंडेम करना चाहता हूं यहां से जो हिंसा हुई है HCU में उसकी भी, क्योंकि ये प्रायोजित हिंसा है और प्रायोजित हिंसा लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। हमको कैंपस डेमोक्रेसी को बहाल करना पड़ेगा। और कुछ भी कह लीजिए, कितना भी आप अपना मतभेद डिफरेंसेस रख लीजिए, क्योंकि आपकी पीढ़ी से हमको एक शिकायत भी है, खास करके जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आपने मतभेद इतना बढ़ा दिया कि आज हमको यूनिटी करने में बहुत मुश्किल हो रही है। आप लोग अगर ये काम पहले कर गए होते तो आज हमको जो है गांधी और अम्बेडकर को मिलाने में इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी मुश्किल हो रही है। क्या जरूरी है, क्या जरूरी है, मैं इस बात पे आज सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि हम अपने महामानवों की रेसलिंग करवा दें, कौन जीतेगा उसको मानेंगे, जो हार जाएगा उसको नहीं मानेंगे। भाई साहब उन्होंने अपने जमाने को जिया, अपने चश्मे से समाज को देखा और अपने तरीके से हमारे भविष्य को तय किया। हम अपने जमाने में रह रहे हैं, अपने चश्मे से देखते हैं, जरूरत पड़े तो चश्मा उतार करके देखते हैं, और जिनकी जरूरत जहां पे मिली उनसे हाथ मिलाते हैं। और हमको लगता है इस देश के अंदर अगर आपको फ्रीलांस गोडसे से बचना है तो अम्बेडकर और गांधी की बात करना पड़ेगा और आपको गांधी की तरह जान देना पड़ेगा। और मुझे तो कहीं नहीं मिला जहां अम्बेडकर और गांधी हिंसा के सवाल पे एक दूसरे से सहमत होते हुए ना दिखाई दे। बार बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने डेमोक्रेटिक मींस की बात की और बार बार गांधी जी ने अहिंसात्मकता की बात की,
दोनों एक जगह है, तो इस संघी हिंसा के खिलाफ हम दोनों के साथ क्यों नहीं खड़े होते हैं? यह जो देश के अंदर लोकतंत्र के ऊपर हमला हो रहा है, हम दोनों के पक्ष में क्यों नहीं बोलते हैं? और मैं कह देना चाहता हूं हमारे भगत सिंह के बारे में, जो हमारे क्रांतिकारी लोग हैं वो बहुत सहज भाव से भगत सिंह को अपनाते हैं, बिल्कुल अपनाना चाहिए। लेकिन वही भगत सिंह कहते हैं, इनकलाब बम और पिस्तौल से नहीं आता, इनकलाब विचारों की शान पे तेज होती है, विचारों की लड़ाई है, और इस विचार की लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज तमाम तरीके के जो सेमिनार्स हो रहे हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, मैं उनमें एक बात कहता हूं, जो लड़ाई हम कैंपस में लड़ रहे हैं इस सेमिनार हॉल से बाहर निकल करके, वो लड़ाई हमको गांव में जाकर लड़नी होगी। और सहला ने जो कहा कि किसानों को आज किसान के बच्चों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, किसान के बेटे को सैनिकों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है, हम इस बाइनरी को खारिज करेंगे, इस युग्म को हम तोड़ेंगे, और हम बताएंगे कि इस देश के अंदर हक की लड़ाई हम सब की लड़ाई है, और हम सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप हमको बांट नहीं सकते हैं, आप हमको कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। कम पढ़ा लिखा है, हालांकि संघी लोग कहते हैं कि 28 बरस उम्र हो गया अभी तक पढ़ ही रहा है। तो मैंने कहा यही इस देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि पीएचडी करने में कम से कम 28 बरस लग जाती है। अगर सबको पीएचडी करने का मौका मिलता तो शायद इस पूरे मुल्क के लोगों को पता होता कि पीएचडी करने के लिए 28 बरस की जरूरत होती है। कितनी भी जल्दबाजी कर लें, बहुत प्रेम करते हो हम अपनी पत्नी से और हम चाहते हैं परिवार बढ़ाना, कम से कम 9 महीने का इंतजार करना होता है, तो पीएचडी करने के लिए भी 28 बरस लगता है। मेरे भाई, मैंने देश पे कोई बहुत बड़ा गलत काम नहीं कर दिया है। और आपके सब्सिडी का पैसे की जो बात है उसमें मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि सही जगह खर्च हो रही है, गलत जगह तो वो है जहां 5 लाख का लोग सूट पहन करके फ्लाइट मोड में अनवरत रहते हैं। सही जगह इसलिए खर्च हो रही है कि अगर मैं एक खराब परिवार से, खराब मतलब आर्थिक रूप से खराब, नैतिक रूप से खराब नहीं है, खराब परिवार से आकर के जेएनयू में पढ़ रहा हूं, इससे ज्यादा इस्तेमाल और सब्सिडी का क्या हो सकता है? इस देश के अंदर पीएचडी करने वाला एक इंसान, जेएनयू में पढ़ने वाला, जहां जीभ टेढ़ी करके अंग्रेजी बोली जाती है, वहां हिंदी बोलते हुए किसानों की बात कर रहा है, इससे ज्यादा यूथ सब्सिडी की क्या हो सकती है? इस देश के अंदर सरकारों को देखकर लोग रास्ते बदल देते हैं, और मोदी जी के पास तो 56 इंच का सीना है। उस 56 इंच के सीने के खिलाफ 12 इंच के सीने के साथ डटकर खड़ा हो जाएं, इससे ज्यादा सब्सिडी की यूज क्या हो सकती है? इसीलिए दोस्तों, ये लड़ाई इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है, और इस मुल्क को बचाने की लड़ाई में वो तमाम लोग जो अपनी कुर्बानी दिए हैं, हम सबको याद करना चाहते हैं। चाहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे सावित्रीबाई फूले हो, ज्योतिबा फूले हो, पेरियार हो, हम उनके रास्ते पे चल के इस मुल्क को एक समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र में परिणत किए बिना समता मूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती। इसीलिए जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी की मांग करना चाहते हैं। कुछ लोग आकर के कहे कि तुम जो बात बोलते हो वो बहुजनों की बात है। हमने कहा तुमको समझ में नहीं आती है, हम जो बोलते हैं वो सर्वजनों की बात है। बोला कैसे? हमने कहा पेट सबका है, चाहे वो जनरल हो या ओबीसी, चाहे वो जनरल हो या एसटी। भाई साहब भूख मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की कोई पूछ नहीं होती है। अगर कोई कास्ट विश्लेषण करना चाहता है तो भारतीय रेल के जनरल डब्बे में जाए, उसको पता चल जाएगा कि वहां गरीब जनरल बैठा हुआ मिलेगा, और बहुसंख्यक आबादी जो है वहां पे वो पिछड़े दलित और मुसलमान और अल्पसंख्यक लोग वहां पे आपको मिलेंगे, महिलाएं मिलेंगी। ये हमारे समाज की सच्चाई है। हमको बांटो मत भाई, हमको बांटो मत, हमको कंफ्यूज मत करो। हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है कि जो बात संविधान की प्रस्तावना में कही गई है उस एक एक बात को सच करेंगे, समाज में उतारेंगे। हमको नहीं मालूम कि ये पीढ़ी जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, लेकिन जो लड़ाई हमने छेड़ी है, हमको लगता है कि ये बहस दूर तलक जाएगी, और जब बहस निकलेगी, जब बहस होगी, जब लव आजाद होकर बोलेंगे, तो इस बोलने की आजादी को हम लोगों की आजादी के आंदोलन में परिणत करेंगे। इसीलिए कहा आजादी मांगा है,
और ये अंबेडकर जी ने लिखा है। अंबेडकर जी कहते हैं कि किसी देश से सिर्फ आजादी नहीं चाहिए, आप लोग भी जाकर के देखिएगा, देश में भी आजादी चाहिए। और देश से तो आजादी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों ने लड़ करके ले लिया, उनके चाहने वाले आप सब हम सब इस देश के अंदर जो भुखमरी गरीबी और अत्याचार है उससे लड़ाई लेंगे और सामाजिक न्याय को स्थापित करके समतामूलक समाज की स्थापना करके उनके सपनों को सच करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो गुजारिश हमने आपसे की है वो गुजारिश आप लोग जरूर मानेंगे और इस कंफ्यूज जनरेशन को कंफ्यूजन से निकालेंगे। पिट पिटा करके जो हमारी अकल ठिकाने पे आई है उसको और आप अपना योगदान दे करके अपनी लेखनी से उसकी सहायता करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और इस आंदोलन से हम इस समाज के अंदर इस बात को स्थापित करके कि हमको रोहित एक्ट को लागू करवाना है, हमको इस देश के अंदर एक एक लोगों के हक की बात करनी है, इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। ज्यादा बोल दिया, इससे ज्यादा मैं बोलना नहीं चाह रहा था, इतना ही बात कहकर मैं बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।